हाय गाइस, मेरा नाम है दुर्गा। आप देख रहे हो चेगरो YT ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में ना भाई कुछ मूवीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि नया नया आया। आप लोगों को पता ही है KGF चैप्टर 2, इस मूवीज के बारे में मेरा फेवरेट मूवीज है KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, मतलब दोनों पार्ट्स मेरा फेवरेट है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस सारे के सारे 100 बुकीज पहले से हो चुके हैं, चारों के चारों। पेटीएम में देखा था और अमेजोन में देखा था टिकट बुक करने के लिए, तो भाई सारे के सारे बुक हमारे यहाँ तो सारे के सारे बुक हो चुके थे। अब बात ये समझ में नहीं आता है कि भाई कितनी ज़्यादा फैन है KGF के, जो 4 दिन पहले से ही सारा सब बुक हो चुका था, तो अभी तक हम लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है। और मैंने KGF चैप्टर 2 देख भी लिया है, मेरे को आता है कैसे डाउनलोड करना है या नहीं करना है। आप लोग यूट्यूब में सर्च मारना, जाके आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा का पूरा मूवीज देख लिया है KGF चैप्टर 2 भी। मैं जाना चाहता हूँ हॉल, क्योंकि यार थिएटर का मजा लेने का बहुत ही ज्यादा मन है अपने फेवरेट मूवीज का। और इस मूवीज में ना लगता है ना कि सारे ब्लॉकबस्टर मूवीज फेल है, खत्म है, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो KGF के बारे में ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने KGF चैप्टर 1 देखा है या चैप्टर 2 देखा है। 1 में वो हीरो रहता है ना भाई, कसम से चैप्टर 1 में एक भी फाइट नहीं मार खाता है, सबको मारता है, लेकिन एक भी ऐसा पंच नहीं है जो हीरो को मार सके। और सेकेंड में भी नहीं मारता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संजय दत्त ही मारता है। संजय दत्त होता है ना, वही मारता है, बाकी बात कोई भी एक भी छोटा विलन भी उसको एक पंच भी नहीं मारता है। और इस मूवी में ना भाई निडर निर्भय कितना खतरनाक वाला, क्या ही बताए यार एक्शन के बारे में। जब भी मैं KGF 1 KGF 2 देखता हूँ ना भाई, मेरे सारे के सारे शरीर के बाल खड़े रहते हैं, इतना अंदर से जोश आता है ना। और मैंने 2 बार देख चुका हूँ खाली KGF चैप्टर 2, और पता नहीं अभी 2-4 दिन बाकी है, अभी कितने देखना है। मेरे को एक जरा सा बुरा फील होता है यार कि भाई KGF में ना, KGF 2 में हीरो की वाइफ मतलब हीरोइन भी मर जाती है, लास्ट में हीरो भी मर जाता है, द एंड। मतलब यार इमोशनल तरीके से ना मूवीज में द एंड हो गया, बहुत ही ज़्यादा खराब फील हुआ, दिल से बहुत ही ज़्यादा खराब फील हुआ। और हाँ, सुनने में आ रहा है कि यार KGF 3 आने वाला है। भाई KGF 3 में क्या बताया जाएगा आप लोगों को पता है क्या? KGF 3 में ना अपने मतलब इंडिया से बाहर बाहर कहाँ पे बिजनेस किया था, कहाँ पे माल सप्लाई कर रहा था, किधर किधर जाके सप्लाई कर रहा था, वो सब दिखाने वाला है, ठीक है। ये मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़े बड़े न्यूज वाले भी कहते हैं और यूट्यूबर भी बोलते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो यही सुनने में आ रहा है कि KGF 3 भी आने वाला है, अब पता नहीं कब तक आने वाला है, देखते हैं, वेट करते हैं। और भाई KGF 1 भी हिट हो ही चुका है, KGF 2 भी हिट हो ही चुका है, तो जाहिर सी बात है KGF 3 भी हिट ही होगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा देखने का जाने का मन है, अब देखते हैं टिकट कब तक मिलता है, मुझे भी नहीं पता। और मेरे सारे दोस्त कहीं दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त जो है ना जिसका उसका शादी हो रहा है, जिसके साथ जाते हैं 4-व्हीलर में हम लोग मूवी देखने के लिए या फिर कहीं कहीं घूमने वूमने के लिए, तो उसी का शादी हो रहा है, तो अभी शादी वादी ख़त्म होगा तभी शायद जा पाएंगे KGF देखने के लिए, KGF चैप्टर 2 देखने के लिए। जब KGF 1 देखा था ना, तभी से मेरा फेवरेट हो चुका था KGF चैप्टर 1, और उसको मैंने कितना बार देखा मुझे भी नहीं पता। और KGF 2 तो एकदम खतरनाक ही, लाजवाब, अनबिलीवेबल, भाई क्या ही एक्सप्लेन करूँ यार, क्या बोलूँ उसको बारे में। तो जाओ गाइस, मैं इतना ही बोलूँगा, जाओ एक बार KGF चैप्टर 2 देखो और KGF 1 भी देखो, जो KGF 1 नहीं देखा है 2 भी देखो, सब कुछ देखो। तो भाई गाइस, मैं भी जा रहा हूँ देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच। और पिछला वाला ब्लॉग जो भी आप लोगों ने नहीं देखा है, मेला वाला, झूला वाला, जाके देखो, अभी कब भी जाके देखो गाइस, बाय बाय।